सामने सामने जो सब आप भी बनाओ फिर मुझे सेंड कर देना वो बना लिया बाहर की गेट की हां ताकि वो के राशि देखे कितना हां <laughs> संडे ना सब सबश देना हाँ जी आपका मैच डाल दे किसी के साथ सामने है, है, है? <laughs> <द्रहीं की बिनाने। laughs> नहीं बनाता

अस्सलाम वालेकुम तो जी ये देखें हम आए हुए हैं सफारी ज़ू पार्क यहाँ पे ना बहुत मज़ा आया था हम काफ़ी देर पहले गए थे तब बच्चे बहुत छोटे थे तो अब बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं तो मौसम भी अच्छा था और फिर हम लोग बच्चों को ले कर गए बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया ये देखे इब्राहिम सांप के साथ खेल रहा है पहले डर भी गया था तो फिर वो अरहम को बुला लाया कि भाई इसको ऐसे हार लगाओ अंकल ने हमें ताला तो खोल के दिखाया वो उनको ना कह रहे थे कि ये शाम मरे हुए उन्होंने कहा नहीं मरे नहीं हुए ये वैसे बैठे हुए हैं लेकिन उनको यकीन नहीं आ रहा था फिर उन्होंने ना उन स्टिक के साथ ना ताला खोल के ये दिखा <laughs> रहे हम डर गया ना <laughs> बच्चों ने माशाल्लाह से बहुत इन्जॉय किया था अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो इस पार्क का मैं कहूँगी कि ज़रूर जाए बच्चे बहुत बहुत हैप्पी थे <laughs> ये क्या इनकी हरकतें चेक करें आप जब हम पहले गए थे ना बहुत छोटे थे बच्चे और यहाँ पे जी मोर थे और मोर देखे माशा से इतना खूबसूरत मोर लग रहा था उसने अपने पंख खोले हुए थे ये देखे माशा क्या अल्लाह की शान है काफ़ी ज़्यादा मोर थे यहाँ पे वाइट कलर के भी थे और काफ़ी परिंदे थे लेकिन कुछ तो ऐसे थे जो मैंने देखे भी फर्स्ट टाइम थे और उनके नाम का भी मुझे नहीं पता था तो ये फिर मोर दरख्त के ऊपर या इस बेरी का ये दरख्त का दरख्त था इसके ऊपर बैठे हुए थे जब हम आगे आए तो एक मोर ने ना और ने पंख खोले हुए थे ये सारे एरिए में काफ़ी परिंदे इन्होंने रखे हुए थे डक भी थी और काफ़ी कुछ था ये देखे वाइट मोर ये जो थे ना ये पता नहीं कौन से परिंदे थे ये उड़ भी रहे थे क्योंकि तो बच्चे उनको ना काफ़ी लोग आए हुए थे और बच्चे जब तंग करते थे तो ना वो ना उड़ना शुरू हो गए थे एकदम ऐसे लग रहा था जैसे हमारे ऊपर हमला कर देंगे ये डक थी डक भी मैंने यहाँ काफ़ी कलर्स की देखी और काफ़ी किस्म की देखी हमने तो शुरू से ये वो वाइट वाली डक देखी थी और एक और डक होती थी कलरफुल सी ना लेकिन यहाँ पे तो ब्लैक भी थी और बड़ी उसकी चोंच जो थी ना वो रेड थी तो माशाल्लाह से काफ़ी हमें मज़ा आया था यहाँ जब हम पहले आए थे वो दस बारह साल पहले की बात है तब इतना नहीं था अच्छा शायद नया बना था या जो भी था लेकिन इसमें तब इतने ये परिंदे वगैरह भी नहीं थे फिर ये शफफेक साहब ने हमें गाड़ी पे भी सैर करवाई अंदर ए, सारे राउंड लगाया था सफारी पार्क का तो यहाँ पे हिरन भी थे और बच्चों ने कहीं बोर्ड पड़ा था नील गाय फिर वो भी दिखाई हमें हिरन थे शुतरमुर्ग भी थे काफ़ी इसमें जानवर भी थे शेर भी था शेर शेर भी था बब्बर शेर भी था टाइगर भी था चीता भी था ये देखे हिरन के पास बच्चे ऐसे गए हुए थे फिर हम लोग भी जहाँ पे ना हमने भी कहा था गाड़ी एक साइड पे लगा दें हमें भी उतर के ना इनको प्यार करना है लेकिन हिरन जो थे ना हमारे पास कुछ था नहीं उनको खिलाने के लिए तो हमारे पास नहीं आए थे फिर हमने गाड़ी में इनका ना राउंड लगाया था ये देखे माशाल्लाह से कितने खूबसूरत जानवर हैं यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ टूवर लगाएं बहुत अच्छा ये पार्क है और काफ़ी मज़ा आया था हमें खाना शाना बना के लेके जाएं साथ वहाँ पे भी चाय वगैरह बना सकते हैं वैसे तो वो कंटेन वगैरह पिज़्ज़ा भी था सब कुछ ही था बर्गर वगैरह भी था लेकिन हम लोग घर से खाना खा के गए थे क्योंकि वहाँ उधर पास यापी का घर था पहले हम उधर गए थे फिर हम लोग सा इधर गए खाना हम खा के आए थे ये शायद वो नील गाय जिसे कह रहे थे ये वो थी आई थिंक शायद वो ही है दूर दूर तक ना काफी इसमें हिरन थे वो नील गाय ये पतन क्या 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 जानवर थे इसमें मुझे इनके नाम का भी नहीं पता आगे जो था फिर काफ़ी बड़ा ये पार्क है और हम लोग शायद पूरे ही इसका पार्क का राउंड लगा लिया था हम लोगों ने फिर यहाँ पे जाके ना न जैबरा थे माशाल्लाह से बड़े ही ख़ूबसूरत लग रहे थे जिस सारे जैबरा ही फिर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इस एरिए के अंदर परिंदे थे काफ़ी रश भी था बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे अल्लाह की शान है अल्लाह ने कितने खूब खूबसूरत परिंदे बनाए हुए काफ़ी किस्म के यहाँ पे वो थे बच्चों के लिए ये देखें झूले वगैरह भी थे जो छोटे बच्चे हैं हम लोग तो खैर इधर नहीं गए थे क्योंकि बच्चों बस बच्चे बस रौन लगा के दौड़िया लगा के खुश हो रहे थे ये देखिए जो मैं आपको कहती थी ना ब्लैक कलर की डाक थी ये वैसे मैंने फर्स्ट टाइम देखी है पहले ये मैंने नहीं देखी थी मैंने वाइट डाक की देखी हुई थी ये जो दरख्त था इस दरख्त के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मोर बैठे हुए थे ये बेरी का दरख्त था अरहम हम पास से वीडियो बना रहा था अरहम हम पास इनके पहुंचा हुआ था यहाँ पे पानी के अंदर डग थी और उनके बच्चे भी थे बच्चों ने जब हम पहले यहाँ से गुज़रे थे तब नहीं थे जब हम वापिस आए राउंड लगा के तो डक के बच्चे भी थे बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि देखें डक के जो बच्चे हैं वो भी तैर रहे हैं ये देखें फैमिलीज़ आई हुई हैं यहाँ पे फीक साहब का बहुत दिल कर रहा था कि मैं बच्चों को लेके जाऊं कभी भी हम बच्चों को नहीं लेके गए बच्चे बस स्कूल अकेडमी स्कूल अकेडमी <laughs> यहाँ पे फिर हमने सबको कहा था कि कैमल की सफारी सवारी कर ले लेकिन बच्चे नहीं माने वो ए, बच्चे फील कर रहे थे कि हम भड़े हो गए हैं तो काफ़ी हमने कहा था लेकिन नहीं मान रहे थे यहाँ से हम शेर वगैरह देख के निकले थे तो यहाँ पे फिर प्रोग्राम बना के हम अंदर जाते हैं लेकिन काफ़ी वो ना जो अपनी वो गाड़ी पे रौन लगवा रहे थे वो काफ़ी डेंजरस लग रहा था शीशे वग़ैरह खुले हुए थे तो वो फिर सीन देख के ना बच्चों ने कहा कि हम अंदर नहीं जाएंगे हम बाहर से ही देख लेंगे ये देखें बच्चों ने बस दूर से ही देख लिए थे हम अंदर रौन लगाने नहीं गए थे काफ़ी हम हमें मज़ा आया था हमने बहुत इन्जॉय किया था ये देखिए ये दो गाड़ियाँ थी एक राउंड लगा के आ रही है दूसरी ले जा रही है यहाँ पे सात शेर बैठे हुए थे बच्चों ने जब ये सीन देखा था ना तो बच्चों ने कहा हमने नहीं बैठना लेकिन शीख साहब फिर कह रहे थे चलो दो चार ही चले जाने हैं मुझे कहते थे तीनों लेके जाना सी मैं <laughs> ये देखे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेर जो थे ना वो बंद भी थे बबर शेर जो थे ना वो बंद किए हुए थे यहां से जी अब हम वापसी का रास्ता पकड़ा अब हम वापस बाहर निकल रहे थे पूरा राउंड हमने ना इस पार्क का लगा लिया था एक साइड पे इसके ना जब हम वहीं निकल रहे थे तो आगे जो थी ना वो फसलें भी थी ये गंदम की फसल थी बच्चों ने ये भी देखा बच्चों ने फिर ये बताया कि इसका आटा बनता है जो हम लोग रोटी खाते हैं ये इसके पास जो कुछ सोसाइटी बन रही थी वो भी बहुत खूबसूरत सोसाइटी थी सोचा जा सकता है सोसाइटी के बारे में पास ही पार्क है और पास ही घर हो <laughs> काफ़ी पुरसकून माहौल था वहाँ पर ये एक ये दिन यादगार दिन बन गया था हमारे लिए बच्चों ने खूब एंजॉय किया था चलें जी यहाँ अपनी वीडियो का करते हैं एंड आप लोग शेयर किया करें सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ये देखें जी इतने मज़े मज़े की मैं वीडियोस आप लोगों के लिए व्लॉग लेके आती हूँ रेसिपीज इतनी अच्छी लेके आती हूँ आप लोग भी मुझे लाइक किया करें इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे यहाँ पे जी अपनी वीडियो का करते हैं एंड प्यारे प्यारे जैब्रा पे अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में